उधर दिल्ली के सुखदेव विहार इलाके में पहुंचकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की। ये प्रवासी मजदूर सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास रुके हुए थे। राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों से उनका हाल पूछा। तो राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष निकले हैं मजदूरों का हाल जानने, सीधे फर्स्ट हैंड अकाउंट यानी सीधे मजदूरों से बात कर रहे हैं, उनके दिल का हाल सीधे जान रहे हैं। अभी तक किसी बड़े नेता की तस्वीर इस तरह से नहीं दिखी थी। राहुल गांधी ने इसमें जाहिर है एक बड़ी पहल की है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके बाद तमाम दूसरे नेता भी मजदूरों का दर्द जानने, उनकी मदद करने सड़कों पर नजर आएंगे। इमरान हमारे संवाददाता जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। इमरान, राहुल गांधी अचानक उधर पहुंचे या फिर पहले से इसका इंतजाम किया गया था? आखिर पूरी ये जो हमें तस्वीरें दिख रही हैं, इसके पीछे क्या किस्सा है? देखिए, कांग्रेस के लोगों ने ये बताया, जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कि राहुल गांधी को किसी ने मैसेज पहुंचवाया कि हरियाणा जाने वाले कुछ मजदूर सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास पुलिस द्वारा डिटेन कर लिए गए हैं। दरअसल मथुरा रोड पे हर रोज सैकड़ों की तादाद में मजदूर पैदल चलते हुए दिख जाते हैं। तो कुछ लोगों को पुलिस ने यहाँ रोक लिया था। राहुल गांधी को एक सूचना मिली कि पुलिस ने रोक लिया, राहुल गांधी यहाँ पहुँचते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं। ये 100 मीटर की दूरी पे वो जो पुलिस के जवान खड़े हैं, वहीं पे लेफ्ट में होते ही राहुल गांधी मजदूरों से वहाँ पे मिले, वहीं पे पुलिस उन्हें रोक लेती है और उसके बाद राहुल गांधी मिलते हैं, पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्हें जाने दिया जाए। और तो पुलिस तो कहती है कि पैदल नहीं जाने दे सकते। तो यूथ कांग्रेस के लोगों ने अपनी गाड़ी में बैठाया और उन्हें उनके घर छोड़ने के लिए लेके चले गए। पुलिस से बाकायदा परमिशन ली और उनके घर छोड़ने के लिए उन्हें ले गए। पुलिस ने यहाँ पे कुछ देर के लिए उन्हें रोक लिया था। कुछ अब इसे कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था, पुलिस ने डिटेन कर लिया था। तो पुलिस ने सिर्फ रोक रखा था, उनसे पूछताछ कर रही थी कि आप कौन हैं, कहाँ के हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, इस तरह की बात है। पुलिस उन्हें आगे देना नहीं जाने देना चाहती थी। जैसा कि आप देखेंगे, अभी कुछ देर पहले हम गाजीपुर थे, गाजीपुर बॉर्डर में हज़ारों लोगों को रोक रखा है। तो वैसे ही यहाँ पर भी राहुल गांधी ने बातचीत की। राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया हर संभव मदद का। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष मौजूद थे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मजदूरों से कहा है कि हर संभव मदद हम करेंगे, हम लोग मदद करना चाहते हैं। कांग्रेस ने तमाम तरह की अपनी दरवाजे खोल रखे हैं मजदूरों के लिए, लोगों के लिए जो पलायन कर रहे हैं, सभी तरह की संभव मदद के लिए कांग्रेस आपके साथ जी रही। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस सारी बातचीत के लिए इमरान।